नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधु, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह मालिका प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य यही है कि जो बुद्धि प्रामाण्यवादी है उन्हें हमारे सनातन हिंदू धर्म का महत्व ध्यान में आए, और जो धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा है उनको और भी धर्म के बारे में जानकारी मिलने पर उनका स्वाभिमान बढ़े। इस उद्देश्य ये मालिका हमने प्रारंभ की। इसमें हमने हमारी भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में समझ कर लिया। यह व्यवस्था कितनी प्राचीन थी और सनातन धर्म में गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में भी हमने समझ कर लिया। हमारे 14 विद्याएं, 64 कलाएं कौन सी थी ये हमने इसमें समझ कर लिया। आज भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर लेने वाले हैं। आज हम नालंदा, तक्षशिला और भारत के जो प्राचीन और विशाल महाविश्वविद्यालय थे तो इसके संदर्भ में जानकारी लेने वाले हैं, और इन महान विश्वविद्यालयों को इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा किस प्रकार से इनका विध्वंस किया गया इसके बारे में आज के इस धर्म विज्ञान के मालिका में हम जानकारी लेने वाले हैं। हमारे साथ आज हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा आपको ये पूछना था कि प्राचीन गुरुकुलों की व्यवस्था के संदर्भ में जब से हमने ये मालिका प्रारंभ की है तब हमें बहुत से हमारे जिज्ञासुओं के फोन्स आए, उन्होंने हमसे संपर्क किया, और उनमें से कुछ लोगों ने हमें, मान्यवरों ने ऐसे भी बताया कि गुरुकुल ये जो प्रणाली थी, शिक्षा पद्धति, ये केवल प्राचीन काल में ही नहीं थी तो वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थाएँ यहाँ पर शुरू है, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। धर्म संवाद के इस मालिका का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राचीन काल में भारत के संदर्भ में जो पश्चिमी विद्या से सीख कर आए जो हिंदू विरोधी थे, तो पाश्चात्य शिक्षण का प्रभाव होने के कारण उनके द्वारा यह एक अनुचित प्रचार किया जा रहा है कि भारत एक अत्यंत अविकसित राष्ट्र है, जंगल और जंगली लोगों का यह देश है, यहाँ पर सांप, हाथी, इनको पूजा करने वाले या सपेरे ऐसे लोग रहते हैं, तथा इस देश में आज जो कुछ विकास हम देख रहे हैं, भारत का जो भौतिक भी विकास जो देख रहे हैं, यह भारत का विकास केवल अंग्रेजों की भारत पर सत्ता थी इस कारण ही संभव हुआ है, और इसलिए सभी भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति सदैव अत्यंत कृतज्ञ रहना चाहिए। इस प्रकार का अपप्रचार, यह जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में शिक्षा लेकर ये जो एक नए विचारवंत निर्माण हुए हैं, नए इतिहासकार निर्माण हुए हैं, इनके द्वारा संपूर्ण भारत में नहीं तो संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। इनके यह गलत प्रचार का खंडन करने के उद्देश्य से ही हम इस धर्म संवाद के माध्यम से आपके सामने विविध विषय रखने का प्रयास कर रहे हैं, और इन विषयों के माध्यम से भारत की यानी हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो लाखों वर्षों से कितनी प्रगल्भ थी, कितनी विकसित थी, यह हमको भी समझ में आए और विश्व को भी समझ में आए। जब पश्चिमी लोग वस्त्र पहनना भी नहीं जानते थे, जानवरों की खाल या पेड़ों के पत्ते बांधकर वे रहया करते थे, उस समय हमारे देश में इतना विकास हुआ था, यहाँ पर विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विकसित विद्याएं सिखाई जाती थी, यहाँ पर राजव्यवस्था थी, यहाँ पर निवासी गुरुकुल हुआ करते थे, केवल पुरुष नहीं तो स्त्रियों के लिए भी यहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे। जब पश्चिमी लोग पृथ्वी को चपटी होने के सिद्धांत पर अड़िग थे और उन्होंने अपने ही यहाँ के जो शोधकर्ता थे, चाहे गैलीलियो हो, कोपरनिकस हो, ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने
उनके पारंपरिक धार्मिक शिक्षा जो बाइबल से मिली थी कि पृथ्वी चपटी है, तो उसको खंडन करते हुए पृथ्वी गोल है, तथा उनका जो दूसरा सिद्धांत था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज और अन्य ग्रह तारे पृथ्वी के आजू बाजू घूमते हैं, तो इसका खंडन करके जब उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ऐसे शोधकर्ता गैलीलियो हो, कोपरनिकस हो, इनको सरकारी तौर पर शिक्षा देकर उनकी हत्या करने का आदेश जब ये पश्चिमी देश दे रहे थे, उस समय हजारों वर्ष पूर्व, उससे भी हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में पृथ्वी की परिधि कितनी है, उसका गोल होना, पृथ्वी की सूर्य को परिक्रमा करना आदि विषयों में हम सब लोगों को प्रचुर ज्ञान था, उसके बारे में अनुसंधान और शोध हुए थे और उसको समाज में प्रसारित भी किया जा रहा था। तो इस वास्तविकता का भान करवा देना, यही इस धर्म संवाद इस मालिका का मुख्य उद्देश्य है। यह जो पाश्चात्य लोग या भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारत को ही जंगली और पिछड़ा हुआ कहने वाले जो तथाकथित विचारवंत है, इनके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, यही इस धर्म संवाद के कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस कारण कृपया यह बिल्कुल ना समझे कि पारंपरिक काल में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती है वो वर्तमान में भारत में कहीं अभी गुरुकुल है ही नहीं, ऐसा कृपया आप कोई विचार ना करें। आज इस सेकुलर सरकार की सहायता के बिना भी जो केवल हिंदू धर्म को या हिंदू पारंपरिक शिक्षा को सहायता देने के लिए पीछे हटता है, हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने के लिए प्रतिबंधित करता है, तो ऐसे सेकुलर सरकार के सहायता के बिना भी आज भी भारत में अनेक संस्थाएं हैं, वो अपने अपने स्तर पर गुरुकुल पद्धति से शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, और उसमें से एक गौरवशाली परंपरा के जो एक हमारे अधिवक्ता है, अभियंता है, हमारे एम्बेसडर जिसको कह सकते हैं, वो धीरे धीरे उसमें से निर्माण हो रहे हैं। और आप अगर इसको इंटरनेट पर खोजते हो तो ऐसे गुरुकुलों की जानकारी आपको जाल स्थल पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन काल के विशाल गुरुकुलों के तुलना में आज के गुरुकुल जो है वह उस परंपरा को जीवित रखना और परंपरा को शुरू रखना इस उद्देश्य से शुरू है, यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता। और इसलिए कार्तिक जी, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अभी भी जो गुरुकुल चल रहे हैं उनके बारे में ये विश्व जान ले, और अभी भी वैसे गुरुकुल परंपरा और शिक्षा पद्धति चल रही है भारत में। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि क्या प्राचीन भारत में शूद्रों के लिए भी शिक्षा लेने का अधिकार था, क्या वो भी शिक्षा ले सकते थे, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्राचीन भारत में शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार था क्या, तो यह प्रश्न का उत्तर जानने के पहले वर्ण क्या था, या वर्ण कब उत्पत्ति हुई, या वर्ण व्यवस्था कब लागू हुई, इसकी भी हमको संक्षेप में जानकारी जान लेना आवश्यक है। तो ऋग्वैदिक काल में मूलतः वर्ण विभाजन कोई था ही नहीं, वर्ण पद्धति थी ही नहीं, क्योंकि ऋग्वेद काल में सभी हंस वर्ण में थे। हंस वर्ण में थे यानी सभी आत्मा को ही स्वस्वरूप मानते थे या सोहम भाव में रहा करते थे। इस कारण हंस वर्ण में थे तो कोई चार वर्णों की व्यवस्था ही नहीं थी, तो कहीं क्षुद्र वर्णों को शिक्षा के लिए प्रतिबंध है या नहीं है, ऐसे कोई विचार उस समय था ही नहीं। और यह जान के लेने की आवश्यकता है कि उस समय समाज के सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अब धीरे धीरे हंस वर्ण से मैं आत्मा हूँ, सोहम भाव है, इसमें से च्युत होने के बाद, नीचे आने के बाद, अवनति होने के बाद, जब उत्तर वैदिक काल की प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें वर्ण व्यवस्था की जो है उसकी प्रारंभ या शुरुआत हुई थी। परंतु सबसे महत्व की जो बात है कि वर्ण व्यवस्था, यह श्रम विभाजन, आपके गुण कौशल्य के आधार पर आपकी क्षमता का विभाजन की बात होने के कारण, जन्मतः किसी व्यक्ति को ना तो ब्राह्मण ठहराया जाता था ना तो क्षुद्र ठहराया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के गुण और कर्म से निगड़ित होती थी। और शुक्र नीति का जो ग्रंथ है उसमें स्पष्टता से जो बताया कि इस संसार में जन्म से ना तो कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, अथवा ना कोई मेंश होता है,
तो जन्मने के बाद उसके अंदर जो गुण प्रकट होते हैं, गुण मतलब त्रिगुण, यानी उसकी वृत्ति कैसे है, वृत्ति सात्विक है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, और कर्म कैसे है, कर्म का उद्देश्य क्या है, कर्म अगर सात्विक है, निष्काम है और उदात्त यानी समष्टि उद्देश्य या धर्म के उद्देश्य से किए गए, तो उसके या स्वार्थी या आसुरी या तमोगुणी उद्देश्य से किए गए, तो इनके भेदों के आधार पर व्यक्ति का वर्ण उस समय तय हुआ करता था। तो जन्मता यह व्यवस्था नहीं है, जैसे आज वर्तमान व्यवस्था में जो माता पिता के इसमें जन्म लिया है उसके मुताबिक वो वही जाति का हो सकता है या वही वर्ण का हो सकता है, ये जो वर्तमान व्यवस्था है उस समय वैसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। इस कारण उत्तर वैदिक काल में भी शूद्रों को वंचित किया गया है शिक्षा से या नहीं किया गया, ऐसे चर्चा या कभी बोलने की बारी आती ही नहीं है और ऐसा कोई प्रश्न कभी था ही नहीं। यानी आज जो महर्षि व्यास या विश्वामित्र, हम किसी भी 10 पहले ऋषि के नाम जिसको हमको स्मरण होते हैं और जो सनातन धर्म में अत्यंत पूज्य है, व्यास पूर्णिमा यानी गुरु परंपरा में व्यास जी का ही पूजन होता है, और जन्मतः अगर उनके अगर हम इतिहास देखते हैं तो वर्तमान जो भारत में जिसको पिछड़ा समझा गया है या क्षुद्र जिसे कहा गया है या जिसके लिए ये एक इसका प्रावधान किया गया है रिजर्वेशन का, तो उस समय वे उच्च कोटि के ब्रह्मर्षि महर्षि थे और वो आज भी उपास्य हैं। और इसलिए अगर हम किसी भी ऋषि का स्मरण करते हैं, चाहे व्यास हो, विश्वामित्र हो या पहले किसी भी 10 ऋषि जिनका नाम हमें पता है, उनके अगर जन्म का इतिहास हम देखने गए तो वर्तमान स्वतंत्र भारत में जिनको पिछड़ा तय करके जिनको आरक्षण दिया गया है, ऐसे पार्श्वभूमि से उनका जन्म हुआ है मगर स्वयं तपस्या करके, साधना करके, शिक्षा लेके वे ब्रह्मर्षि महर्षि बने हैं और आज वो केवल ब्राह्मणों को नहीं तो समस्त हिंदुओं को वो पूज्य है, आदरणीय है, और गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि व्यास जी का ही पूजन किया जाता है आदि गुरु करके, तो यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। महाभारत में जो सूत जी थे पारंपरिक, इसमें जिसको हम शूद्र कह सकते हैं, उनको महाभारत के इतिहास में ऋषि कहा गया है। सत्यकाम जाबाल जी की कथा तो हमने कल परसों के ही भाग में सुनी है, तो जिसको अपना गोत्र पता नहीं, जो दासी पुत्र था उसका भी सत्यनिष्ठा देखकर उसको ज्ञानार्जन करके एक ऋषि और महर्षि बनने की संधि दिया है, तो ऐसे उदाहरण हम बार बार देख रहे हैं। तो ईसा पूर्व जो 4वीं शताब्दी थी और वो जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य इन्हीं के साथ, चाहे दर्जी हो या मछुआरे हो, ऐसे जो परिवार जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसको पिछड़ा या आरक्षित समाज कह सकते हैं, तो ऐसे परिवारों के पुत्र तक्षशिला में अध्ययन कर रहे थे, विद्या अर्जन कर रहे थे, ऐसे स्पष्ट रूप से उल्लेख हमें मिलता है। तो इस काल में भी शूद्रों को कहीं शिक्षा से वंचित किया गया है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसा कई इतिहास और ये हमें मिलता नहीं। और वर्तमान में यह एक आरोप लगाया जाता है कि शूद्रों को हजारों वर्ष से महिला ढोने की उनकी प्रथा थी और उनको बाध्य किया जाता था और महिला ढोने के कारण उन्हें शूद्र कहा जाता था, परंतु संपूर्ण धार्मिक इतिहास हो या सामाजिक इतिहास हो राष्ट्र का, इसमें ऐसी प्रथा होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आज के वर्तमान भारत सरकार द्वारा भी घर घर में शौचालय न होने के कारण जो 60-70% जो ग्रामीण और शहरी भाग के जो लोग हैं जिनको शौचालय के लिए घर के बाहर वो खुले में जाते थे, तो इस गलत प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए खुले में शौच ना करें लोग, खेत में या खुले में शौच ना करें, इस कारण घर घर में शौचालय बनाने का एक अभियान वर्तमान केंद्र सरकार ने भी चलाया है। तो वर्तमान इतनी आधुनिक और भौतिक विकास होने के बाद भी घर घर में शौचालय नहीं था और खेत में या खुले में शौच करने की परंपरा थी, तो 100 वर्ष पूर्व तो
घर में शौचालय बहुत गिने, 1 या 2% लोगों के ही घर में होंगे, तो खेतों में या खुले में ही शौच करने की पुरानी परंपरा थी, और इसलिए सर पर मैला ढोने के लिए जबरदस्ती किया और जबरदस्ती मैला ढोने लगाया, इस प्रकार का आरोप, और उनको जबरन दलित ठहराया या शूद्र ठहराया, एक झूठा आरोप है, षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को समझकर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हमें जानने की आवश्यकता है। और फिर 2400 वर्ष पूर्व जब जनसंख्या ही अल्प थी, भौतिक विकास ही अल्प था, उस समय में भारत में मैला ढोने की प्रथा थी, यह बताना, उसका अपप्रचार करना, यह भारतीय संस्कृति, भारत के मान हनन का एक बड़ा षड्यंत्र है। यह समझकर इसको हमने अभी नकार कर, उस नकारात्मक भाव से बाहर आकर हमारी गौरवशाली परंपरा का हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। और यह अगर हम इतिहास देखते हैं तो कहीं शिक्षा से वंचित करने का कोई उदाहरण संपूर्ण इतिहास में नहीं मिलता है। मगर यह जरूर है, 1000 वर्ष के जो इस्लामी आक्रमण हुए या अंग्रेजों ने यहाँ पर जब शासन किया और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोगों का पलायन शुरू हुआ, उनके गुण कौशल्य का ये शुरू हो गया, लोग नए नए प्रांतों में जाके बसने लगे, और जब उनको उपजीविका की कोई साधन सामग्री नहीं मिली, तो मुगल काल में और अंग्रेजों काल में अगर ऐसे कोई उनके शासनकर्ताओं ने गलत रूढ़ी और परंपरा को अगर शुरू किया हो, तो उस सच्चे इतिहास को जानकर अभी समाज के सामने रखने का समय आया है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, भारत के गुरुकुलों के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त हुई, किंतु हमारे बोलने में नालंदा, तक्षशिला इन्हीं विश्वविद्यालयों का उल्लेख आता है, तो क्या प्राचीन भारत में ये दो ही विश्वविद्यालय थे? और अन्य भी अगर थे तो कृपया उसके संदर्भ में भी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। जी कार्तिक जी, ये तो सत्य है कि नालंदा, तक्षशिला ये उस काल के भव्य और बड़े विश्वविद्यालय होने के कारण, या इतिहास में आक्रांताओं ने इनको नष्ट किया, जलाया, इसके कारण इतिहास में बार बार उल्लेख आता है करके ये एक दो तो नाम आते हैं, परंतु केवल वो अपवाद थे, ऐसा नहीं था। तो उस समय हमारे कितने विश्वविद्यालय थे, कितनी बड़ी शिक्षा पद्धति की व्याप्ति थी, वह भी हम समझ कर लेंगे। मूलतः वैदिक काल से ही भारतवर्ष में शिक्षा एवं शिक्षण को अत्याधुनिक महत्व दिया गया था, और समाज में शिक्षा का प्रसार प्रचुर मात्रा में हुआ था। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जाना था, और उसके आधार पर ये हमारी पारंपरिक जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, उनको उन्होंने विकसित किया था। और जिस काल में संपूर्ण विश्व अज्ञानता के अंधकार में था, भोजन पकाकर खाना चाहिए उनको पता नहीं था, घर बांधकर निवास करना चाहिए उनको पता नहीं था, वस्त्र को कैसे बुनना ये पता नहीं था, वो जंगली जानवरों के खाल और पेड़ों के पत्ते से शरीर ढका करते थे, उस अज्ञानता के अंधकार के पार्श्वभूमि पर भारत में ज्ञान रूपी प्रकाश का सागर कितना प्रकाशित था और भारत कितना प्रकाश में नहा रहा था। तो यह इतिहास और हमारा जो परंपरा है उसको जानना हमें बहुत आवश्यक है। और इस महान देश में सबसे पहले विश्वविद्यालय की संकल्पना का भी उदय हुआ था। प्राचीन काल से ही भारत में अलग-अलग जगह अनेक शिक्षा केंद्र खोले और अनेक विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ था। उत्तर वैदिक काल के उपरांत भारत की जो शिक्षा पद्धति थी वो अधिक फलती फूलती गई, और उसमें विश्वव्यापक प्रसार भी हुआ था। यहाँ पर गुरुकुलों हो, आश्रम हो या पाठशाला हो, यहाँ से आरंभ होकर बाद में विद्यालय और विश्वविद्यालय, ऐसे विराट स्वरूप में हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली विकसित होते गई, बदलते गई। रामायण तथा महाभारत के अनेक संदर्भ में हमें अनेक जगह शिक्षा केंद्र होने का उल्लेख हमें स्पष्टता से मिलता है। इस काल में चाहे काशी हो, कन्नौज हो, कांची हो, कश्मीर हो, इन क्षेत्र में विद्या केंद्र थे, और ये जो क्षेत्र थे वो विद्या केंद्र या अध्ययन केंद्र के स्वरूप में ही विश्व में विख्यात हुए थे। प्राचीन समय से भी पूरे भारतवर्ष में 13 बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, और वो उसका
विश्वव्यापी प्रसार हुआ था, यह हमको देखने को मिलता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के कालावधि में मध्य भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े एक शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। मध्य भारत में गणित हो, भूगोल हो, चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, इसके साथ साथ अन्य अनेक विषयों का भी अध्ययन अध्यापन किया जाता था। आज के समय में अधिकतर लोग केवल 2-3 ही प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इतिहास में उल्लेख आता है उसके कारण। तो अधिकतर नालंदा और तक्षशिला, इन नामों को ही पूरा विश्व जानता है। परंतु इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में 11 और भी ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसकी जानकारी हम इस श्रृंखला में लेंगे, और यह भी विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। अनेक जगह से यहाँ पर शिक्षा के लेने के लिए विद्यार्थी आते थे। तो ऐसे एक एक विश्वविद्यालय की जानकारी हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम जो प्रचलित नाम जो है तक्षशिला या नालंदा, इनके संदर्भ में ही हम जान के लेंगे। तो तक्षशिला के संदर्भ में, उसकी जो तक्षशिला की जो प्राचीनता है, तो तक्षशिला यह गांधार देश की राजधानी थी। यानी रामायण काल में, महाभारत काल में गांधार देश यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गांधार देश की चर्चा वैसे तो ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी यह संदर्भ मिलता है, परंतु तक्षशिला के विषय में सबसे पहले जब जानकारी कब आई, वह वाल्मीकि रामायण के काल से आती है। और यह कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी के जो छोटे भाई थे भरत, तो भरत ने अपने जो नाना कैकेयराज जो अश्वपति या अश्व परीक्षा में जो अत्यंत अधिकारी राजा माने जाते थे, उनके आमंत्रण पर, उनकी सहायता हेतु वे गंधर्व देशों पर उन्होंने आक्रमण किया था और गांधार देश को उन्होंने जीता था। और जीतने के पश्चात अपने दोनों पुत्रों को उन्होंने वहां का शासक करके नियुक्त किया था। अब गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित था। भारत के भरत राजा के जो दोनों पुत्र थे, तक्ष और पुष्पक, उन्होंने तक्षशिला और पुष्करावती ऐसे दो नगरों को उन्होंने स्थापित किया और उनको अपनी अपनी राजधानी करके उसे मान्यता दिया। तो भरत के पुत्र जो तक्ष थे, तो तक्ष के नाम पर तक्षशिला की स्थापना हुई थी। और इसलिए महाभारत में तक्षशिला का वर्णन परीक्षित के जो पुत्र है जन्मेजय, उनके द्वारा जीते हुए नगरी के रूप में किया गया है। यह यही जन्मेजय है जिसने सर्प यज्ञ करवाया था। आचार्य धौम्य के जो शिष्य थे उपमन्यु, आरुषि और वेद, इन्होंने तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण किया था। महर्षि पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी इस काव्य में तक्षशिला का योग्य वर्णन किया है। और यह एक ऐतिहासिक नगरी बौद्ध काल में अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए वो अत्यंत प्रसिद्ध हुई थी। आज के समय हम जिस तक्षशिला की चर्चा कर रहे हैं, यह तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थापित है। रावलपिंडी यह भी सनातन हिंदू धर्म की ही परंपरा का नाम है। रावल जो राजा थे, और रावल जो परम शिव भक्त थे, महादेव के भक्त थे, तो उन्होंने जो पिंडी वहाँ स्थापित किया था, तो रावल परिवार और पिंडी, इस नाम से वह शहर का नाम पड़ा है। तो उसी क्षेत्र में तक्षशिला पड़ता है। और पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के अनुसार तक्षशिला का जो स्थान है, यह आशिया के 12 प्रमुख जो पुरातत्व के जो धरोहरों में है, वैश्विक धरोहरों में उसको गिना जाता है। अब यह तक्षशिला का ऐतिहासिक महत्व क्या है, या व्यापारिक महत्व क्या है, शिक्षा के संदर्भ में तो महत्व हम चर्चा करने ही वाले हैं। तो ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये 3 महान मार्ग जो आर्थिक रूप से या अन्य राजकीय स्वरूप से जो महत्व के है, उनके संगम पर स्थित यह शहर था। अब ये 3 महान मार्ग जो
हजारों वर्ष पूर्व से चल रहे हैं उनके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले जो महामार्ग है उसे उत्तरापथ कहा जाता है। वर्तमान में हमारे ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड की जो संकल्पना है जो गंधार से मगध को जोड़ता है, तो वो जो उत्तरापथ है वह एक पथ। दूसरा है उत्तर पश्चिमी मार्ग, यानी उत्तर से पश्चिम की ओर प्रयाण करने वाला जो मार्ग है, जो कापिश और पुष्प कलावती आदि से होकर जाता है, वो उत्तर पश्चिम मार्ग। और तीसरा जो है वो सिंधु नदी मार्ग, यानी श्रीनगर मानसेरा हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में जो रेशम मार्ग है, यानी जिसे सिल्क रोड कहते हैं, यानी चीन से लेके पश्चिमी देशों को जोड़ने वाला, भारत को जोड़ने वाला या अरब देशों को जोड़ने वाला जो सिल्क रोड पुरातन काल से व्यापारी महत्व का था, जो दक्षिण में हिंद महासागर तक जाता है। तो ऐसे ये जो तीन महामार्ग है उसका जो संगम है, ऐसे संगम क्षेत्र में यह शहर का भौगोलिक स्थान होने के कारण वह आर्थिक नहीं, शिक्षा नहीं, तो सभी सामरिक दृष्टि से भी वह एक अत्यंत महत्व का शहर माना जाता है। अब तक्षशिला की विशालता तथा विशेषता क्या है यह भी हम समझ लेंगे। तक्षशिला विश्व का ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईस्वी सन पूर्व में, यानी ईसा के जन्म के पूर्व 700 वर्ष की गई थी। तक्षशिला यह विश्वविद्यालय, इसमें पूरे विश्व से औसतन 10,500 इतनी संख्या में छात्र एक समय अध्ययन करते थे। यहाँ 600 भी अधिक विषयों के बारे में अत्यंत उच्च स्तर की पढ़ाई विश्वविद्यालय में की जाती थी। ईसा पूर्व 326 में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह विश्वविद्यालय सबसे संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, परंतु उस समय वो संसार का एक उत्तम और एकमात्र चिकित्सा शास्त्र का भी केंद्र था, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। ईसा पूर्व 500 वर्ष जब संसार में अन्य किसी देशों में चिकित्सा शास्त्र की कोई परंपरा ही नहीं थी, चिकित्सा के लिए कोई सुनियोजित शिक्षा पद्धति या उसमें निर्माण होने वाले कुछ चिकित्सक ऐसी परंपरा नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यह सत्य हमें और पाश्चात्य और सभी विश्व के देशों को जानना आवश्यक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास कई रूपों में हुआ था और इसका जो भूभाग पर विस्तार था वो अत्यंत विस्तृत भूभाग पर था, यानी बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उसका विस्तार था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण जो पाठ्यक्रमों में क्या क्या विषय सिखाए जाते थे वो अभी हम समझ लेंगे। इसमें वेद और वेदांग, दर्शन, षड दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, अष्टदश जो विद्याएं हैं उसके संदर्भ में था, युद्ध विद्याएं सिखाई जाती थी, शस्त्र संचलन सिखाया जाता था, ज्योतिष के बारे में वहाँ पर अध्ययन होता था, खगोल शास्त्र है, गणित है, इसके संदर्भ में वहाँ विभाग थे कि जिसमें ये विशिष्ट विषय सिखाए जाते थे। चिकित्सा शास्त्र का तो ये बड़ा केंद्र ही था, ललित कला हो, हस्तविद्या हो, अश्वविद्या हो, मंत्र विद्या हो, संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है, सर्प विद्या, योग विधा, कृषि, भूविज्ञान, तंत्र शास्त्र आदि विषयों में यहाँ पर पाठ्यक्रम था। यहाँ पे इन विषयों के अध्ययन के लिए विश्व से लोग आते थे और यहाँ से सीखकर संपूर्ण विश्व में जाते थे। तो एक साथ 10,500 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते थे, ये इतना बड़ा ये विश्वविद्यालय था। अब प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार संस्कृत साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ वैयाकरणी जो महर्षि पाणिनि थे, वे स्वयं गांधार स्थित शलातुर इस ग्राम के निवासी थे। तो उनका निवास पास में होने के कारण उन्होंने तक्षशिला के विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त किया था।
कौटिल्य यानी आर्य चाणक्य वे भी वही से स्नातक और अध्यापक थे, यानी वही से उन्होंने अध्ययन भी किया था, अपनी डिग्री भी लिया था और वहीं पर बाद में भी अध्यापक करके कार्यरत हुए थे। और उनके शिष्यों में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने गुरु आर्य चाणक्य यानी कौटिल्य के साथ मिलकर एक अधर्मी शासन और एक परकीय सत्ता को पराभूत करते हुए एक धर्माधारित एक मौर्य साम्राज्य की यानी एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना उन्होंने किया था, तो वह गुरु शिष्य की जो एक जोड़ी है वह भी तक्षशिला महा विश्वविद्यालय की ही देन है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। जीवक कौमार बच्च जो भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे वह भी तक्षशिला से ही थे और ये महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य भी थे। इनके साथ चाहे चंद्रगुप्त हो, कौशलराज हो, इन महापुरुषों ने भी इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अपने राजकाज बाद में संभाले थे। अब तक्षशिला में विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम इनके संदर्भ में क्या योजनाएं थी, इसके संदर्भ में अभी हम जान लेंगे। वाराणसी, मिथिला, पाटलिपुत्र तथा उज्जैन, इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी थे वे तक्षशिला में अध्ययन हेतु आते थे। तक्षशिला में उच्च शिक्षा लेने के लिए अनेक राजा अपने पुत्रों को अध्ययन हेतु भेजा करते थे, यानी राजपुत्रों का भी शिक्षा का अध्ययन तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ही हुआ करता था। और इस कारण कभी कभी इसे राजकुमारों का गुरुकुल ऐसे भी कहा जाता था। प्रतिभाशाली है परंतु निर्धन छात्र है, तो ऐसे छात्रों को वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए, अध्ययन के लिए राज्य तथा समाज से प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सहायता की जाती थी। और सबसे महत्व की क्या बात थी कि इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षक थे वो शिक्षक वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे, वे एक समर्पित विद्यादान करने के हेतु जो एक समर्पित ऐसे वो शिक्षक या अध्यापक थे। और वैसे भी यहाँ का जो पाठ्यक्रम था वो ऐसे कोई निर्दिष्ट यानी सिलेबस बना के कंपलसरी इस तरह का नहीं था, तो अध्यापक इस विषय को कैसे और किस तरह से या कौन सी कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है, तो वे स्वयं उसको निर्धारित करके विद्यार्थियों को शिक्षादान देने का कार्य करते थे। तो इतना खुला छूट और इतनी स्वायत्तता इन विश्वविद्यालयों को उस समय भी थी। और वर्तमान विश्वविद्यालय तो पूर्ण सरकारी नियंत्रण में है, सरकार जो चाहती है वही पाठ्यक्रम बनता है, सरकार जो चाहती है वही सिखाया जाता है, विद्यार्थी क्या चाहता है इसका कोई विचार नहीं या विद्यार्थी को क्या सिखाया जाना चाहिए इसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई नहीं। और ये जो लेफ्टिस्ट या सेक्युलर शिक्षाविदों ने ये जो पाठ्यक्रम बनाया है वर्तमान, वो अत्यंत समाज की हानि करने वाला, देश की हानि करने वाला है, तो इस पाठ्यक्रम में भी सुधार की आवश्यकता है, ऐसे हमें जानने की आवश्यकता है। तो तात्कालिक तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था तो वहाँ पर शिष्यों की योग्यता और शिष्यों की रुचि, इन दोनों पहलुओं को जानकर उसके अनुसार उनको अध्ययन कैसे कराए, कहाँ से शुरू किए, ऐसे वे स्वयं आचार्य निश्चित करते थे और विद्यार्थियों को उसके अनुसार शिक्षा देते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ जो पाठ्यक्रम थे वो करीब करीब 7 वर्ष के पाठ्यक्रम थे। चिकित्सा के क्षेत्र में जो कुछ पाठ्यक्रम थे वह 7 वर्ष के थे और ये पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 महीने के लिए कुछ ना कुछ शोध कार्य करना आवश्यक होता था। इस शोध कार्य के लिए विद्यार्थी को किसी भी एक औषधि के जड़ी बूटी का पता लगाना पड़ता था और ये शोध कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही उसको डिग्री या स्नातक का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था और उसके बाद ही उसे समाज में एक वैद्य के रूप में रुग्णों को उपचार करने की अनुमति दी जाती थी। तो ऐसे अनेक शोधों से यही अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात ही उन्हें दीक्षांत समारोह के उनको
डिग्री प्रदान की जाती थी। विविध जो जातक कथाएं हैं या विविध जो विदेशी पर्यटक भारत के भ्रमण पर आए थे, उन्होंने जो अपने लेखन किया है, उनके लेखन से यही पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय के जो स्नातक यानी जो डिग्री होल्डर थे, तो वे इतने सक्षम थे कि मस्तिष्क के जो भीतर अगर कुछ चिकित्सा या ऑपरेशन करना है, शल्य चिकित्सा करना है, या पेट के अंदर आतड़ियों की अगर कुछ शल्य चिकित्सा करना है, तो वो बड़ी सहजता से करने के लिए सक्षम या निपुण थे। ऐसे उल्लेख हमको इन लोगों के लेखन से, हमें लेखों से प्राप्त होता है। तक्षशिला का जो आयुर्वेद उपचार चिकित्सा केंद्र था, वहाँ पर अनेक असाध्य रोगों का उपचार सरल एवं सलोग जड़ी बूटी द्वारा ही वे करते थे और उसका परिणाम भी वहाँ मिलता था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर अध्ययन करने वाले जो शिष्य थे, आयुर्वेद का चिकित्सा का अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी थे, उनको अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। यहाँ पर शिष्य और आचार्य साथ साथ आश्रम में रहकर ही अध्ययन अध्यापन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। कई बार तो विद्यार्थी की संख्या 100 से 500 तक इतनी भी अधिक हो जाती थी। परंतु इस विश्वविद्यालय में तात्विक के बजाय क्रियात्मक जो कार्य था, तो क्रियात्मक जो कार्य को अधिक महत्व दिया जाता था। यहाँ पर विद्यार्थियों को देशाटन के लिए भी लेकर जाया करते थे, क्योंकि देशाटन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करना है, उसकी भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से जो स्नातक बनता था, जो डिग्री होल्डर बनता था, तो उस समय ऐसे विद्यार्थी होना यह विद्यार्थी के लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी, और ऐसे विद्यार्थियों को समाज में बड़ा गौरव भी प्राप्त होता था। इस विश्वविद्यालय में अमीर से अमीर तथा निर्धन दोनों प्रकार के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी, और वे साथ साथ अध्ययन करते थे। अमीर छात्रों के भोजन, निवास और अध्ययन वे शुल्क जरूर देते थे, परंतु निर्धन जो छात्र होते थे, वो अध्ययन करते करते हुए शुल्क दिए बिना इस आश्रम में वे कार्य करके अपना कुछ ना कुछ ऋण चुकाने का प्रयास करते थे। शिक्षा पूरी होने के पश्चात निर्धन जो छात्र थे, तो वो अपनी यथा क्षमता गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में शुल्क देने की भी प्रतिज्ञा करते थे, और यथासंभव वो पूर्ण करने का पालन करते थे। अब हम तक्षशिला का विध्वंस कैसे हुआ, वह अब हम समझ लेंगे। 5वीं शताब्दी में हूणों ने भारत पर जो एक विध्वंसक आक्रमण किए, उसमें तक्षशिला नगर भी ध्वस्त हो गया। वास्तव में तक्षशिला के विद्या केंद्र के राज शकों और उनके जो उत्तराधिकारी जो थे, उसके समय से ही वो प्रारंभ हुआ था। और गुप्त साम्राज्यों के समय जब फैयान या प्रवासी वहाँ गया, तो उसे तक्षशिला के आसपास उस समय विद्या के प्रचार का कोई विशेष चिन्ह या प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका था। संक्षेप में यही है कि असभ्य हूणों की दुर्दांत तलवारों ने भारतीय संस्कृति की और तक्षशिला इस विद्या के एक प्रमुख केंद्र को इस तरह से ढह दिया था कि बाद में वह एक अपना शिक्षा केंद्र करके पहचानी वो खो दिया था। तो इस प्रकार तक्षशिला का विध्वंस हुआ था। अभी हम वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में जान लेंगे। वल्लभीपुर यह भारत के प्राचीन नगरों में से एक प्रमुख नगर था। वल्लभी जो विश्वविद्यालय है, यह वल्लभीपुर में उसकी स्थापना हुई थी। यह 5वीं से जो 8वीं शताब्दी था, तो इन शताब्दी के काल में मैत्रक वंश की यह शहर राजधानी रहा है। इसके जो संस्थापक थे, वो सेनापति भट्टारक जो थे, ये इस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वल्लभीपुर गुजरात में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में इसको गिना जाता है। 770 ईस्वी के पहले
यह नगर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध था और एक विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र भी था। प्राचीन समय में यहाँ वल्लभी विश्वविद्यालय कार्यान्वित था। वल्लभी विश्वविद्यालय यह ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ कई पाठशालाएं और कई मठ भी थे। वल्लभी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय यह एक ही परंपरा में विकसित हुए विश्वविद्यालय है। वल्लभीपुर या वल्लभी से यहाँ के जो शासक थे वे उत्तर गुप्तकालीन जो अनेक अभिलेख प्राप्त हुए उसमें इसका वर्णन मिलता है। बुंदेलों के परंपरागत इतिहास से यही ज्ञान होता है कि वल्लभीपुर की जो स्थापना उनके पूर्व पुरुष कनक सेन ने की थी, जो श्री प्रभु रामचंद्र के पुत्र लव के वंशज थे। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैन धर्म की जो तीसरी परिषद हुई थी वह वल्लभीपुर में ही हुई थी और जिसके अध्यक्ष देवार्धिगणी नामक के एक आचार्य थे। इस परिषद के द्वारा प्राचीन जैन आगमों का संपादन भी उस समय किया गया था और जो संग्रह संपादित हुआ था उसकी अनेक प्रतियां बनाकर भारत के बड़े बड़े नगरों में सुरक्षित करके रखी गई थी। जैन ग्रंथों के विविध तीर्थकल्प के अनुसार वल्लभी गुजरात की परम वैभवशाली नगरी थी। अब इस वल्लभी नगरी का विस्तार कैसे था, तो यहाँ 7वीं सदी के मध्यकाल में जो चीनी यात्री युआनसांग आया था और 7वीं सदी के अंत में यहाँ पर इत्सिंग यह भी एक यात्री आकर गया है। इन्होंने इस विश्वविद्यालय की तुलना बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से ही किया था। युआनसांग ने कहा था कि 100 विहारों और 6000 भिक्षुओं का यहाँ पर निवास था, ऐसे उल्लेख उसमें किया गया था। और इत्सिंग के अनुसार वल्लभी विश्वविद्यालय की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय के रूप में ही थी। यहाँ विदेशी छात्र भी अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ एक विशाल का पुस्तकालय था जिसके अनुरक्षण के लिए राजकोष से धन दिया जाता था। राजा गणेश के अभिलेख में इसकी स्पष्टता से हमें पुष्टि भी मिलती है। वल्लभी विश्वविद्यालय की अधिकांश जो गतिविधियाँ थी वो नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा जैसे ही थी और इससे यह भी ध्यान में आता है कि इन विश्वविद्यालयों में यहाँ के राजाओं में इसको आश्रय देने वाले गणमान्य व्यक्तियों में आपस में समन्वय जरूर रहा होगा, यह भी इससे ध्वनित होता है। गंगा के तीर से अनेक ब्राह्मण अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों में भेजते थे, वैसे वे वल्लभी में भी भेजते थे। इतिहासवेत्ता अल्तेकर महोदय ने वल्लभी विश्वविद्यालय को एक तरह से देव संस्कृति का कीर्ति स्तंभ कहकर ही उसका उल्लेख किया है। यानी एक बड़ा गौरव की बात है कि देव संस्कृति की कीर्ति स्तंभ के रूप में इस विश्वविद्यालय को देखा गया है। अब इस विश्वविद्यालय का विध्वंस कैसे हुआ, ये विश्वविद्यालय नष्ट कैसे हुआ, यह भी हम जानकर लेंगे। तो 12वीं सदी के अंत में जब मुसलमानों के आक्रमण होने लगे तब अन्य विश्वविद्यालयों के समान वल्लभी विश्वविद्यालय को भी इस मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट करके इसको केवल एक इतिहास के पन्नों का ही विषय बना के रखा है। तो मूलतः हमें यही समझने की आवश्यकता है कि हमारे विश्वविद्यालय को नष्ट करने में इस इस्लामी आक्रांताओं का बड़ा हाथ है। अंग्रेजों ने धूर्तता से इसका इतिहास मिटाने में योगदान दिया और अपनी पश्चिमी अध्ययन संस्कृति को लादने का प्रयास किया। तो मुस्लिम आक्रांता और अंग्रेज आक्रांता इनके काल में ही यह शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल पद्धति है या शिक्षा पद्धति का एक गौरवशाली इतिहास का जो स्वर्णमय इतिहास का पन्ना था उसको नष्ट किया गया था और यह सच्चा इतिहास को दबाकर झूठा इतिहास बताने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया और भारत को पिछड़ा, रांटी या जंगलों में रहने वाला ऐसा जो उल्लेख किया है उसका योगदान अंग्रेजों को जाता है। हमको अभी यह हमारी संस्कृति सच्चे इतिहास को पुनर्स्थापित करके
हमारी गौरवशाली जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल पद्धति, इसका सच्चा इतिहास पहले समाज के सामने रखने और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य में भारत में लागू करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और इस सभी स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी तक्षशिला, ये जो हमारे प्राचीन महाविश्वविद्यालय थे, तो इसके बारे में हमने जानकारी दी। हम सभी को ये ध्यान में आया होगा कि किस प्रकार से ये विश्वविद्यालय थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी, उनकी वास्तु रचना कैसे थी और किस प्रकार से उनके उस विश्वविद्यालय के ग्रंथालय थे और कितने बड़े प्रमाण में यहाँ पर लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे और फिर वो पुनः अपने देश में या अपने जगह पर जाकर यह शिक्षा का प्रचार करते थे, राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान देते थे। और इसी के साथ ये महान विश्वविद्यालयों का विध्वंस किस प्रकार से इस्लामिक आक्रांताओं ने किया, ये हमने समझ कर लिया। ये सब महत्वपूर्ण जानकारी हमें सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से यहाँ पर मिली है, इसलिए हम सभी उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ आज ये जो हमने दो प्रमुख हमारे विश्वविद्यालय की जानकारी ली, तो हमारे अन्य भी जो विश्वविद्यालय थे, तो इसके बारे में भी हम हमारे कल के धर्म विज्ञान के मालिका में हम समझ कर लेने वाले हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम धर्म विज्ञान का मालिका हमारी चल रही है, इसके बारे में आप अन्य लोगों को भी बताएं और ये हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी जाए। यह सुनते समय यदि आपके मन में कुछ शंका हो, कुछ प्रश्न हो या आपके कोई सुझाव हो, तो आप अवश्य अपने कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। हम आपके शंकाओं का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।